मैत्री बच्चों, आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम अपने गिव रीजंस कर रहे थे, आज हम आगे के नेक्स्ट 2 गिव रीजंस को करेंगे। हमारा 3rd गिव रीजन जो था वो था सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, कि हमारी जो सी केव्स हैं वो हमारी स्टैक्स में टर्न हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमें इसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है सी वेव्स स्ट्राइक एट द रॉक्स, एज अ रिजल्ट क्रैक्स डेवलप विच बिकम बिगर ओवर टाइम एंड हॉलो लाइक केव्स फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड सी केव्स। हमारा जो सी वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो हमारी चट्टान से टकराती रहती हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि सी केव्स कैसे बनती हैं। जब लहरें आती हैं और लहरें कंटिन्यूअसली एक चट्टान को हिट करती रहती हैं, टकराती रहती हैं उससे, तो क्या होता है, हमारा वहां पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं उस चट्टान के ऊपर, वो चट्टान क्रैक होने लगती है। और उसके बाद टाइम बीतने के साथ साथ वहां पर क्या होता है, वहां पर एक होल जैसा क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स। These cavities become bigger and the time comes when only the roof of the caves remain to form sea arches. जब हमारा एक होल बन गया या हम कहें कि हमारी जो सी केव्स बन गई, उसके बाद भी लहरें तो आके उसके साथ में टकराती ही रहती हैं। तो जो लहरें उसको हिट करती रहती हैं चट्टान पे आके उससे टकराती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारी कैविटी का मतलब है वही जो हमारी केव है या जो हमारा होल है, वो टाइम के साथ साथ बड़ा होता चला जाता है। और वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर उसकी सिर्फ एक रूफ रह जाती है, उसकी छत रह जाती है और हमारा सी आर्च बन जाता है। सी आर्च, ये इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है वहां पर। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। उसके बाद भी जब ये लहरें जो हैं ये आ रही हैं और ये इसको हिट कर रही हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो रूफ है हमारी ये भी हट जाती है, ये भी पानी के टकराव से ये भी यहाँ से खत्म हो जाती है। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। और उसके बाद हमारे पास ये जो चट्टान का सिर्फ ये जो हिस्सा बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स। तो इस तरीके से हमारी जो सी केव्स होती हैं, ये चट्टान में पहले ये हमारी एक केव बनी, उसके बाद यहाँ पे लहरें इसको हिट करती रही, तो ये क्या हुआ, ये बड़ा होके ये आर्च जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद भी लहरें यहाँ पे हिट करती रही तो ये जो पोर्शन था ये हमारा रिमूव आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वॉल्स बची उसकी, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो गिव रीजन है वो है बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जब हमारा अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमारा इसका जो हमारा रीजन है वो क्या है, Most of the buildings are not safe enough to resist the vibration of the earthquake. हमारी जो buildings बनी होती हैं, वो इस तरीके की नहीं बनी हुई होती कि वो जो earthquake आता है वो उसको bear कर सके, वो उसको सहन कर सके। earthquake क्या होता है, जब हमारी जो tectonic plates हैं वो हमारी earth के inside में आपस में move करती हैं, टकराती हैं, तो उसकी वजह से vibrations होते हैं, वो हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। तो हमारी जो बिल्डिंग्स है वो इस तरीके की बनी हुई नहीं होती है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है या हमारी जो अर्थ है वो वाइब्रेट हो रही है तो वो उस चीज को बियर कर जाए। तो क्या होता है कि दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनी होती है वो, दे कोलैप्स टियरिंग अपार्ट ड्यू टू शैलो फाउंडेशन एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्टील इन द इंटीरियर डिजाइन। उनमें कमी क्या होती है, क्यों गिर जाती है वो बिल्डिंग्स, क्यों हमारी जब अर्थ वाइब्रेट होती है तो वो नहीं टिकी रहती है, क्योंकि एक तो उनका जो बेस होता है, हम बोलते हैं ना उनकी फाउंडेशन या उनका बेस, या हम कहते हैं ना नींव, घर की नींव जो
जो होती है वो स्ट्रांग नहीं बनी हुई होती है, वो हमारी मजबूत नहीं होती। अगर वो मजबूत बनी हो, उसमें अच्छे से लोहा हो, अच्छा सीमेंट लगा हो, उस तरीके का मटेरियल उसमें लगाया गया हो जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तब वो नहीं गिरेगी। दूसरा, जो हमारा इंटीरियर डिजाइन होता है, या हम जो हमने अपना बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया, उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, अपना घर तैयार करते हैं, अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में भी हम स्टील या आयरन का उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ ईंटों से तैयार कर देते हैं उसको। तो उस सब की वजह से क्या होता है कि उसमें जो टॉलरेंस पावर है वो ज्यादा नहीं होती। तो जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है या हमारी अर्थ वाइब्रेट करती है, तो वो जो है हमारी बिल्डिंग्स वो कोलैप्स हो जाती है या वो हमारी गिर जाती है।